नमस्कार बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक नया सवेरा के अंतिम पाठ पाठ 14 को पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक कहानी है जो डॉक्टर कृष्ण कुमार बिरला द्वारा लिखित है। इस कहानी में हमें यही शिक्षा बताई गई है या मिलती है कि हमें विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आइए इस कहानी को हम जानते हैं, ठीक है। इस कहानी में डॉक्टर कृष्ण कुमार बिरला बता रहे हैं कि एक राज्य में एक राजा राज करता था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम सुखदेव था। सुखदेव जो था वो बड़ा वीर बालक था, परंतु विपत्ति में वो घबरा जाता था। एक बार की बात है कि राजा के देश पर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध अच्छे से लड़ा और उनका पुत्र भी उस युद्ध में उनका साथ देने के लिए आया, लेकिन दूसरे राज्य की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी और वे राजा भी बहुत साहसी थे, इसलिए राजा और उनके पुत्र दोनों लड़ाई में हारने लगे। जब अपनी हार होते देख रहे थे वे, तो राजा ने क्या किया कि उन्होंने पीठ दिखाकर युद्ध से भाग जाना उचित समझा। सुखदेव ने देखा कि उनके पिता युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए हैं, तो सुखदेव ने भी सोचा कि अब मैं कितना लड़ पाऊंगा। और वैसे भी वह पति में घबरा जाता था, पिता के बाद तो वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसने भी युद्ध का मैदान छोड़ दिया और इस प्रकार वो भागते भागते दूसरे शहर में पहुंच गया। उनका राज्य दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया। अब जिस राज्य में वो पहुंचा, वहां वह 4 वर्ष तक एक सामान्य नागरिक की तरह रहता रहा, लेकिन उसे बार बार मन करता था कि वह अपने राज्य जाए, वहां के लोगों से मिले और फिर से सेना संगठित करके वहां का राजपाट देखे। लेकिन जहां पर वो पहुंचा था उस गांव में या उस शहर में से दूसरे शहर जाने के लिए बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था और रास्ते में डाकुओं का भय था। तो जब वहां के कुछ व्यापारियों ने योजना बनाई कि हम व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में जाएंगे, तो यह बात सुखदेव ने भी सुन ली। सुखदेव ने सोचा कि क्यों ना मैं इन व्यापारियों के साथ दूसरे शहर चला जाऊं, जहां मैं और अच्छे से काम कर सकूं और कुछ और ज्यादा पैसे या मोहरे कमा सकूं। तो सुखदेव जो है वो व्यापारियों के साथ हो लेता है। 2 घंटा पैदल चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जब वे घने जंगल में पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें 15 डाकू मिलते हैं। अब ये 15 डाकू देखकर व्यापारी लोग तो डर जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो साहसी थे, तो वे उनसे लड़ने लगते हैं। तो सुखदेव भी उनके साथ साथ डाकुओं का सामना करने लगता है। सामना करते करते सुखदेव देखता है कि अब मैं फिर हार जाऊंगा, तो वो फिर आधी लड़ाई छोड़ के डाकुओं से वो वहां से भी भाग जाता है। और भागते भागते फिर वो दूसरे गांव या दूसरे शहर की ओर जाने की सोचने लगता है। फिर भी वह उस जंगल से निकल नहीं पाता है। तो अब वह सोचता है कि इस जंगल से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे इस जंगल से का रास्ता खोजूं जो दूसरे शहर को ले जाए। इसके लिए वो क्या करता है कि एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब वह उस पेड़ पर चढ़ जाता है तो उसे दूर एक झोपड़ी पे दिया जलता हुआ दिखाई देता है। रात का समय था इसलिए दिया टिमटिमा रहा था। तो बच्चों, इस कहानी का ये पहला भाग था। अब आगे की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह सुखदेव अपने राज्य को फिर से प्राप्त करता है और अपने पिता की खोज करता है। धन्यवाद बच्चों।